नारायण राणे ने फिल्म झंडा को क्लीन चिट दे दी है। राणे को इस फिल्म में अपने से मिलते जुलते किरदार के नाम और कुछ डायलॉग्स पर ऐतराज था। फिल्म के जिन हिस्सों पर राणे को आपत्ति थी, निर्देशक ने उन्हें निकाल दिया है। अब ये फिल्म 22 जनवरी को रिलीज होगी। काफी खींचतान के बाद आखिरकार ठाकरे बंधुओं पर बनी फिल्म झंडा 22 जनवरी को रिलीज हो जाएगी। इस फिल्म को महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री नारायण राणे ने क्लीन चिट दे दी है। नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने झंडा के सदा मालवणकर नाम के एक किरदार पर आपत्ति जताई थी। उनकी शिकायत थी कि फिल्म का ये किरदार उनके पिता नारायण राणे से मिलता जुलता है और इससे उनकी छवि को धक्का पहुंचेगा। पिछले हफ्ते उन्होंने फिल्म देखकर उसकी रिलीज का विरोध किया था। कहीं जो सीन थे जो गलत दिखाए गए थे, तो वो सारी चीजों को बदलने के लिए मैंने अवधूत गुप्ते को कहा था कि ये चीजों के साथ ये पिक्चर रिलीज नहीं हो सकती। नारायण राणे महाराष्ट्र के मालवण इलाके के हैं। जाहिर है फिल्म में सदा मालवणकर का किरदार राणे परिवार को कचोट रहा था। हालांकि फिल्म राजनीतिक विवाद के चलते लटक न जाए, इस डर से फिल्म के निर्देशक ने सदा मालवणकर का नाम बदलकर पानवलकर कर दिया है। इसके कुछ आपत्तिजनक संवाद भी निकाल दिए गए हैं। दूसरे कोई मिनिस्टर होते शायद थिएटर वाले भी यहाँ कर देते, लेकिन एक भी थिएटर वाला सपोर्ट में था नहीं। तो मैं फिल्म लेके लड़ू तो क्या करूँ, घर पे देखूँ फिल्म या फिर रास्ते पे जाकर फ्री ऑफ चार्ज शो लगाऊँ। उधर अब तक जरा जरा सी बात पर फिल्मों का विरोध करने वाली शिवसेना को राणे की आपत्ति और इसके बाद फिल्म में किए गए बदलाव रास नहीं आ रहे। राज्य मध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था जेवढा प्रश्न गंभीर तुम्ही हा विचारताय तेवढा काही प्रश्न गंभीर आहे आणि हा प्रश्न माझ्याविषयी तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना विचारा की तुम्ही चित्रपट निर्मात्यांना आणि थिएटर्सना संरक्षण देणार आहात का। झंडा के निर्देशक अवधूत गुप्ते जो पेशे से गायक भी है, शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के काफी करीबी माने जाते हैं। अवधूत ने इससे पहले शिवसेना और एमएनएस के नेताओं को ये फिल्म दिखाकर उनसे एक क्लीन चिट पहले ही ले ली थी। ये बात नारायण राणे को पसंद नहीं आई थी, लिहाजा उन्होंने सियासत में अपना कद दिखाने के लिए फिल्म झंडा को मोहरा बनाया। लेकिन उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि वो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में मंत्री हैं और उनका काम कानून व्यवस्था बनाना है, बिगाड़ना नहीं। विद्या के साथ राहुल महाजनी, मुंबई आज तक।